السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل كرم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامین المتین الکریم و نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام جملہ خانہ کعبہ کے حاجی یعنی حجاج کرام ہم عمر ساتھیوں عزیز بچوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام ربانی پیغام ربانی سندیسہ سورہ دوحا کی مقدس آیت پاک کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے. اس کا معنی و مطلب آپ حضرات کے کانوں تک پہنچایا جائے اس سے پہلے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکے اور مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد عرب مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری پوری ایمانداری اور پوری پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم جھوم کر با آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمدین و بارک و سلیم صلاتن سلامن علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معجز سامین حضرات اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आना बैठना सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन हजरात, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़म, रसूल अल्लाह की महफ़िल, रसूल अल्लाह की मिलाद मनाना ये रसूल अल्लाह के वफादार यानी के सहाबा की भी सुन्नत है और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी सुन्नत है। और जो मिलाद मनाते हैं, मिलाद में बैठकर दुरूद पढ़ते हैं, मिलाद में बैठकर सलाम पढ़ते हैं, रसूल का ज़िक्र करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत न उसे दुनिया में भूल जाते हैं ना आखिरत में भूलते हैं। मौज सामईन किराम, मस्जिद नबवी शरीफ है और आका करीम अलैहि सलातु व सलाम हजरत बिलाल को तलब फरमाते हैं, हजरत बिलाल को बुलाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, आज मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे एक मीटिंग करनी है, मुझे एक महफिल को सजाना है, लिहाजा ऐ बिलाल मदीने की गलियों में चले जाओ और लोगों को ऐलान कर दो कि अल्लाह का महबूब तुम्हें याद कर रहा है, अल्लाह का महबूब तुम्हें बुला रहा है। हजरत बिलाल रसूल पाक के इस हुक्म की तामील करते हुए मदीनतुल मुकद्दसा की मुकद्दस गलियों में हजरत बिलाल अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, ऐ मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने वालों, चलो चलो अपने घरों को छोड़ो और मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबवी शरीफ में बुला रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस ऐलान को हजरत बिलाल के ज़रिए जब सुना तो मुस्तफ़ा के चाहने वाले, मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखने वाले, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले अपने अपने कामों को छोड़ देते हैं, अपने अपने कामों से फारीग हो जाते हैं और मुस्तफ़ा की बुलावे पर, नबी की आवाज़ पर सद्दकत या रसूल अल्लाह कहते हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होते हैं। लोगों का ये गुमान था कि आज मुस्तफ़ा कुछ हुक्म सुनाने वाले हैं, आज नबी अल्लाह कोई ख़ास बात करने वाले हैं, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत कोई मखसूस अल्लाह का संदेशा सुनाने वाले हैं। मुकद्दस रसूल अल्लाह के चाहने वाले, मुकद्दस सहाबाए किराम की जमात जब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाती है, इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबरे नूर पर जलवा फरमा होते हैं, आकाए कायनात अपने मिंबर पर तशरीफ रखते हैं, आकाए कायनात अपने मिंबर पर विराजमान होते हैं और आका इरशाद फरमाते हैं कि अय मेरा कलमा पढ़ने वालों, अय अय मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ने वालों, सुनो सुनो आज मुझे मक्का का वो पत्थर याद आ रहा है। सहाबा भी सोचने लगे कि मुस्तफ़ा को कौन सा पत्थर याद आया, कहीं मकाम इब्राहिम की याद आई होगी, कहीं खानाए काबा के पत्थर याद आए होंगे, कहीं सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के पत्थर याद आए होंगे, कहीं मीना और मुजदलफा के पत्थर याद आए होंगे, कहीं अरफात के पत्थर याद आए होंगे। या रसूल अल्लाह, सहाबा अर्ज करते हैं, अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ज़रा खुलासे से बात फरमाए, आपको कहाँ का पत्थर याद आया है, कहीं मकाम इब्राहिम की याद आ रही है, अगर मकाम इब्राहिम की याद हो तो चलो मक्का का सफ़र कर लेते हैं, सफ़ा और मरवा के पत्थर याद आते हो तो चलो सफ़र कर लेते हैं। तो आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि आए मेरा कलमा पढ़ने वालों, सुनो जब मैं मक्का की गलियों में निकलता था, मक्का की गलियों को चीरते हुए, मक्का की गलियों को उबेर करते हुए, जब मैं जंगलों बयाबान की तरफ, मक्का की पहाड़ियों की तरफ जब मैं जाता था, तो उस मकाम पर एक
पत्थर आता था, वो पत्थर बारहा यूं कहता जाता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अरे मुझे वो पत्थर याद आ रहा है जो पत्थर ऐलाने नबूवत से पहले मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा था। आका को वो पत्थर याद आया जो मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ता था, आका को वो पत्थर याद आया जो मुस्तफ़ा पर सलाम भेजता था। अरे दोस्तों, जो अल्लाह का महबूब, जो अल्लाह का नबी पत्थर को ना भूले, वो अपने सच्चे आशिक को कैसे भूल सकता है। गोया कि ये मिलाद पाकी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम हैं। दिलों को थाम कर बैठो, दिलों को थाम कर बैठो। हमने उस रसूल का कलमा पढ़ा है, जो रसूल पत्थरों को नहीं भूलता वो अपने आशिकों को कैसे भूल सकता है। और नबी की विलादत के मौके पर झंडा लगाने वालों को फरामोश कैसे कर सकता है। नबी की याद में नबी का जिक्र सुनने वाले को कैसे भूल सकता है। लिहाजा इस यकीन और विश्वास के साथ बैठो, जब कोई सहारा देने वाला न होगा, कोई तुम्हारा मदद करने वाला न होगा, उस मकाम पर मुस्तफा तुझे याद फरमाएंगे, अपने दामन में छुपाएंगे और जन्नत में लेकर जाएंगे। और दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को ऐसा मकाम अता फरमाया है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए अल्लाह ने कानून बनाया है। अल्लाह ने एक कानून बनाया कि ऐ महबूब, हर इंसान की ये तमन्ना होती है कि मैं जो भी तमन्ना करूं, मैं जो भी आरजू करूं, जिस चीज़ को चाहूं वो मुझे मिल जाए, मगर ऐसा कोई दरवाज़ा तो बताओ कि उस दरवाजे पर मांगा जाए और वहीं से वो चीज़ अता हो जाए। कायनात के हर दरवाजे पर आप जाकर बता दो, कहीं ये आरजू पूरी ना होगी, कहीं वो आरजू और कहीं वो तमन्ना तुम्हारी पूरी ना की जाएगी, मगर कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ने मुस्तफ़ा का दर ऐसा दर बनाया है, नबी का दरवाज़ा अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वह मसाइल फला तनहर। क्या ए महबूब, तेरे दरवाजे पर कोई कैसा भी आए, अय महबूब तेरे दरवाजे पर कोई कैसा भी मांगने वाला आए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वामसाइल फला तनहर। क्या ए महबूब, दुनिया मांगने वाला आए तो दुनिया, आखिरत मांगने वाला आए तो आखिरत, जन्नत मांगने वाला आए तो जन्नत। ऐ महबूब, कैसा भी साइल आ जाए उसे झिड़कना नहीं है, बल्कि उसे हर हाल में अदा करना है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए ये कानून बना दिया कि किसी को मायूस न करना, किसी को झिड़कना नहीं। और दोस्तों, तमन्ना लेकर रसूल पाक की बारगाह में बड़े अजीब अजीब आते रहे। अरे दोस्तों, आप बहमदही ताला इस मुकद्दस महफिल में करीब करीब ऐसे हजरात हैं कि जिसने अपनी माथे की आंखों से मकामी इब्राहिम को देखा है, वो उस पत्थर को भी देखा है कि जिस पत्थर पर कभी हजरत इब्राहिम खड़े होकर काबे की तामीर फरमा रहे थे, काबे का काम कर रहे थे, वो मकाम इब्राहिम आज हमारे लिए कायदा है, आज हमारे लिए ये कानून बना है कि जब आप खानाए काबा के साथ चक्कर लगा लो, खानाए काबा के साथ चक्कर पूरे हो जाए, तब जाकर तुम्हारा एक तवाफ पूरा होता है, तब जाकर तुम्हारा एक तवाफ बनता है। और ये कायदा है कि तुम्हारा पहला चक्कर जहाँ हजरे अस्वद
है वहां से इब्तिदा होती है और हजरे अस्वद पर आपका पहला चक्कर पूरा होता है, यानी कि हजरे अस्वद से लेकर हजरे अस्वद तक जब आपने तवाफ की नियत से तवाफ करने के इरादे से आप सात चक्कर लगाते हैं तो तब जाकर आपका एक तवाफ मुकम्मल होता है। और जब तवाफ मुकम्मल हो जाए तो फिर हुक्म बारी ताला ये है कि वत्तखेतु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहीम के पास जाओ और दो रकात नमाज नफल अदा करो। दो रकात नमाज नफल अदा कर लो, दो रकात नमाज पढ़ लो तो वहां पर हमें मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया गया। यही उमर जिसे फारूक आजम के नाम से याद किया जाता है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन बारगाह रसूल अल्लाह में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह मेरी आरजू ये है, या नबी अल्लाह मेरी तमन्ना ये है, या रसूल अल्लाह मेरा दिल अंगड़ाई ये लेता है, मेरा दिल ये चाहता है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया। उमर हजरत उमर की आरजू से पहले जब तक हजरत उमर ने आरजू नहीं की थी तो आपके तवाफ आपका तवाफ मुकम्मल हो जाए तो फिर वहां पर दो रकात की जरूरत नहीं थी, दो रकात नमाज की अदायगी की जरूरत नहीं थी। मगर हजरत उमर बारगाह रिसालत में आकर अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के महबूब अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत, मेरा दिल ये चाहता है कि जो मकाम इब्राहीम है उस मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाई जाए। उमर ने ये आरजू की, उमर ने ये तमन्ना की तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जब हजरत उमर पहुंचे और बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है, या हबीब अल्लाह मेरा मन ये चाहता है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए, मकाम इब्राहिम के आगे दो रिकात नमाज अदा की जाए, तो उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह का महबूब ईमान अपने सर को आसमान की तरफ उठाते हैं, अरे मौला उमर ये अर्जी लेकर आया है, अरे मौला उमर ये तमन्ना लेके आया है, अरे मौला उमर की ये आरजू है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए, तो उस वक्त मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन खाली के कुल कायनात हजरत जिब्राइल अमीन को हुक्म देता है, अरे जिब्राइल सिदरा को छोड़ो, कुरान की आयत को लेकर पहुंचो मुस्तफा की बारगाह में और मेरे हबीब को बशारत सुना दो, वत्तखदु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वत्तखदु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। और दोस्तों जब इस मुसल्ले को बनाया गया, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाया गया, मकाम इब्राहीम के पास दो रिकात नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया तो अब इमाम अल्बिया अल्लाह का महबूब इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की तरफ से उमर की आरजू पर मकामे इब्राहिम को मुसल्ला बना दिया गया है। मगर अब मैं बसारत देता हूं, अब मैं बसारत देता हूं कि जो भी बंदा मोमिन खाना ए काबा का हज करेगा, जो भी बंदा मोमिन खाना ए काबा का चक्कर लगाएगा, जो भी बंदा मोमिन अपने सात चक्कर को मुकम्मल कर लेगा और सात चक्कर मुकम्मल होने के बाद मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाएगा और वहां पर नमाज अदा करने के बाद जो भी दुआ मांगेगा रब उसकी दुआ को कबूल आरजू थी।
कि इसको मुसल्ला बनाया जाए। तो उमर जान गए कि ये रसूल अल्लाह के बगैर पूरा नहीं हो, गोया कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, दुनिया मांगनी है तो रसूल से मांगो, अल्लाह फरमाए, आखिरत चाहते हो तो रसूल से मांगो। अरे एक सहाबी बारगाहे रिसालत में हाजिर होते हैं, माहे रमजान का महीना, हाजिर बाश होकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, रमजान का महीना है, कल मैंने रोजा रखा था, अपनी बीवी के करीब हो गया, मेरा रोजा टूट गया। इमाम अलम्बिया मुस्तफ़ा जाने रही शरीय सुना, रोजा टूट गया, अच्छा ऐसा करो सांझ मिस्किनों को खाना खिलाओ। अर्ज करते हैं सहाबी या रसूलल्लाह, सांझ मिस्किनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं रहता। फिर इमाम अलम्बिया मुस्तफ़ा जाने रही इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो सांझ रोजे मुसलसल रखो। वो सहाबी अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह एक रोजे का ये आलम है तो सांझ में क्या होगा, साहिठ में मेरा क्या हाल होगा। इमाम अलम्बिया मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा ऐसा करो बैठ जाओ। सहाबी थे वहाबी तो थे नहीं, जानते थे कि बैठने का हुक्म है तो अभी रहमत का कुछ न कुछ इशारा हो ही जाएगा, अभी करम की बरसात हो ही जाएगी। हजरत सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़े ही सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ़ फरमा ही बैठ गए। 5-10 मिनट गुजरी कि एक सहाबी दूसरे आए, इनके हाथों में एक टुकड़ा था जो खजूर से भरा हुआ था। आए बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज की कि अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या कासिम रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी ज़ाती पाक बड़ी अजमत वाली ज़ात है, आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया है, आपको अल्लाह ने रिफत वाला मकाम अता फरमाया है। या रसूल अल्लाह ये गरीब आपकी बारगाह में खजूरों का तोहफा लेके आया है, खजूरों को प्रेजेंट लेकर आया है, या रसूल अल्लाह इसे कबूल फरमाए, या हबीब पाक कबूल फरमाए। रसूल अल्लाह की बारगाह में जैसे ही वो तोहफा आता है, इमाम अलम्बिया मुस्तफ़ा जाने रहमत नबी रहमत उस तोहफे को कबूल फरमाते हैं और फिर इरशाद फरमाते हैं वो सहाबी कहाँ है, वो कलमा पढ़ने वाला कहाँ है जिस जो खता कर गया था, जो अपना रोज़ा तोड़ चुका था। तो वो सहाबी फौरन खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ, या नबी अल्लाह हाजिर हूँ। उस वक्त इमाम अलम्बिया मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि खता कर गए हो, साठ रोजे रखने की ताकत नहीं। कहा या रसूल अल्लाह साठ की ताकत नहीं रखता, कहा मिस्किनों को खिला देना, कहा मिस्किनों को खिलाने की ताकत नहीं रखता। तो उस वक्त इमाम अलम्बिया इरशाद फरमाते हैं ये खजूर का एक तोहफा आया था जिस उस सहाबी ने मुझे अता किया है, अब ऐसा करो ये खजूरे ले जाओ और अपने महल्ले के गरीबों को खिला देना, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। सहाबी बड़े होशियार थे, सहाबी बड़े ही चालाक और चतुर थे। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह इस जिस फलिये में जिस महल्ले में मैं रहता हूँ उस महल्ले में मुझसे बढ़कर और कोई गरीब है ही नहीं, या नबी अल्लाह कि मुझसे बढ़कर कोई गरीब नहीं है, क्या करूं। तो इमाम अलम्बिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहले कानून खुदाबंदी को सुना दिया था, अब मुस्तफ़ा अपना कानून बनाते हैं क्या है, मेरा कलमा पढ़ने वाले सुबह शाम मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाले कि तेरे महल्ले में तुझसे ज्यादा कोई और गरीब नहीं है, तो रहमत का ये फैसला है कि ये खजूर तू
ये कैसे रहमत वाले नबी हैं कि खता को माफी करवाते हैं और खतूरे भी अता फरमाते हैं, खतूरों भी अता फरमाते हैं। वो अम्मसाइल फला तन्हार, अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत का ऐसा दरबार बनाया है, नबी का ऐसा दरबार है कि वहाँ जो भी मांगा जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से आता है। मगर दोस्तों आप थोड़े से परेशान होंगे कि लॉकडाउन से लेकर कोरोना से लेकर अब तक कहीं ऐसे हजरात हैं जिसकी ये तमन्ना है, जिसकी दिल की आरजुएँ हैं कि कब खुल जाए और कब हम मदीने का फेरा लगा कर आए, कब फेरा लगा कर आए। हमारी जाने जो बेचारे ताकत रखते हैं वो दुनिया के कानून को लेकर परेशान, और कहीं ऐसे हैं कि जो जाने की उम्मीदें तो रखते हैं, जाने की तमन्नाएं रखते हैं, मगर कोई अपने हालात से कमज़ोर है, कोई प्रॉपर्टी से कमज़ोर है, जिसे मगर दोस्तों कुर्बान जाऊं, मुस्तफ़ा का दयार ऐसा दयार है, नबी का दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा है, वहाँ पैसा नहीं देखा जाता, दिल की आरज़ू देखी जाती है, दिल की, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है कि दिल पर दिलदार की हर वक्त नज़र रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नुसरत के सिवा, उनको लाना है तो ऐसा कीजिए खान आए दिल को मदीना कीजिए। अरे दोस्तों परेशान ना हो, वहाँ ना जा सको तो कोई बात नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाइबों से, मुस्तफ़ा जाने रहमत के खुलफाओं से दोस्तों पूरी दुनिया भरी नजर आ रही है। आप वहाँ मक्के की धरती पर ना जा सको, मदीनतुर रसूलुल्लाह की धरती पर ना पहुंच सको तो परेशान ना होना, कभी दोस्त पाक की बारगाह में हाजिर हो जाना, कभी खौजाए अजमेर की बारगाह में हाजिर हो जाना, कभी वहां भी ना जा सको तो मुर्तजा अली सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाना। इंशाअल्लाह जब वो दुआ करेंगे तो उनकी दुआ को मेरा रब मुस्तफा की दुआ बनाकर कबूल फरमा लेगा। को बनाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाइबों को, अपने सज्जादान को हिंदुस्तान की धरती पर भेजकर ये भी हम पर एहसान करवाया है। वह मसाइल फलातन कर, महबूब जो भी साइल आ जाए, जो भी मांगने वाला आए, जो भी मांगे, जैसा भी मांगे, अय मुस्तफ़ा तुम उसे जरूर जरूर अदा फरमा देना। दोस्तों हमेशा रसूल की सच्ची मोहब्बत बनाए रखे, रसूल का सच्चा इश्क अपने दिल में पैदा करे, इंशाल्लाह जब इश्क आपके दिल में पैदा हो जाएगा, नबी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि मदीने से बुलावा तेरा आ ही जाएगा, इंशाल्लाह कि मोहम्मद से वफात हुए तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं, वमा अलैहि वसल्लम आए सलाम सलाम हो जाए या नबी।